गरीबों के लिए योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। इन तीन योजनाओं से बेटियों को मिल रहा है लाखों का फायदा। अगर आपको भी है अपनी बेटी के भविष्य को लेकर टेंशन, तो हो जाइए नो टेंशन। सरकार की तीन योजनाओं को सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। तीन बड़ी योजनाओं से योगी सरकार प्रदेश की बेटियों को दे रही है बड़ा उपहार। गरीबों को होने वाला है लाखों का फायदा। योगी सरकार प्रदेश की गरीब जनता के लिए एक के बाद एक दमदार योजना चला रही है, जिन योजनाओं से प्रदेश की गरीब जनता की मौज ही मौज होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पता है कि प्रदेश की जनता को कब और कहां परेशानी हो सकती है। प्रदेश की जनता को कोई भी परेशानी हो, उससे पहले सीएम योगी उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जो परिवार आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं और उनके पास बेटी है, तो योगी सरकार उन बेटियों को तीन योजनाओं के तहत बड़ा लाभ दे रही है और प्रदेश की गरीब जनता को इन तीन योजनाओं से लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। अगर आपके घर में भी है बेटी और आप अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो योगी सरकार की ये तीन योजनाएं आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं और आपको भी लाखों रुपए का फायदा बड़ी आसानी से हो सकता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं योगी सरकार की इन तीन बड़ी योजनाओं के बारे में, जिनसे बेटियों को लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के तहत सरकार योजना के लिए पात्र परिवार की दो बेटियों को सपोर्ट कर रही है। सबसे पहली किस्त बेटी के जन्म के समय मिलती है। इसमें बच्ची के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं। बच्ची के एक साल के होने पर 1000 रुपए की दूसरी किस्त दी जाती है। यह किस्त तब मिलती है जब बच्ची को सभी जरूरी टीके लग जाते हैं। और 2000 रुपए की तीसरी किस्त बच्ची के स्कूल एडमिशन के समय मिलती है। और छठी क्लास में एडमिशन के दौरान 2000 रुपए की चौथी किस्त मिलती है। नवीं क्लास में एडमिशन के समय पर 3000 रुपए की किस्त मिलती है। और फिर आखिरी किस्त ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में दाखिला के समय 5000 रुपए की मिलती है। अब तक कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को 15000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब सीएम योगी ने इसे बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि शुरुआत में इस योजना के तहत 6 चरणों में 15000 रुपए का पैकेज दिया जाता था, लेकिन अब अगले साल से जैसे ही बेटी का जन्म होगा, 5000 रुपए की राशि उसके माता पिता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरी योजना है भाग्यलक्ष्मी योजना। राज्य सरकार की तरफ से बेटियों की स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही लड़कियों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का सहारा लिया जा सकता है। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना। राज्य सरकार की इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों को जन्म के समय 50000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए यह पैसा दिया जाता है। इसके साथ ही लड़कियों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए क्लास के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तीसरी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में आप कम से कम 250 रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। स्कीम में आपको कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलेगा। ऐसे में निवेश किया गया पैसा तेजी से बढ़ता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष है तो आप इस स्कीम में उसके नाम से खाता खुलवा सकते हैं। मौजूदा समय में इस स्कीम में 8% के हिसाब से ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आपको हर महीने कम से कम 12500 रुपए बचाने होंगे। इस स्कीम में आपको लगातार 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है। ऐसे में 15 सालों में कुल निवेश 22,50,000 रुपए होता है, लेकिन आपको इस पर ब्याज 44,84,534 रुपए मिलेगा। इसके तहत निवेश की गई रकम और ब्याज को मिलाकर मैच्योरिटी पर आपको 67,34,534 रुपए मिलते हैं। इन रुपयों को आप बेटी की हायर स्टडी या शादी पर खर्च कर सकते हैं। अब आप योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर